जय हिंद लाडलो, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा फौज में भर्ती होने के बाद या फिर एसएससी जीडी में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी आगे की एजुकेशन है कैसे आप उसको जारी रख सकते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार कैंडिडेट जो जुड़े हुए हैं लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर हम क्या आगे पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे आगे की एजुकेशन कैसे हम फौज में जाने के बाद या फिर एसएससी जीडी में सीएपीएफ में जाने के बाद कैसे हम उसको जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ अपना अनुभव। अगर आप भर्ती हो गए 10वीं पास 12वीं पास है ना, तो दोस्तों आपने आगे की पढ़ाई पक्की पूरी करनी है। कम से कम आपने बीए कंप्लीट करना है फौज के अंदर रहते रहते, ठीक है ना। पक्का आपने उस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, आगे जाके क्या आपकी वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ठीक है ना। आपने प्राइवेट फॉर्म पक्का डालना है, पक्का से क्या है आपने पढ़ाई अपनी पूरी करनी है, ठीक है ना। जो बच्चा टेंथ है वो आगे ट्वेल्थ करेगा, उसके बाद अपना बीए करेगा। जिसने ट्वेल्थ करी हुई है वो अपना बीए पक्का कंप्लीट करेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इग्नू है, आपके स्टेट के अंदर भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो कि ये प्राइवेट फॉर्म प्राइवेट जो पढ़ाई पूरी करवाती है। तो उसके लिए क्या कार्रवाई है दोस्तों, जब आपकी क्या ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, जब आप बटालियन में, आप रेजिमेंट में, आप यूनिट में, आप पोस्टिंग चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है कमांडिंग ऑफिसर के लिए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पे बता देंगे, मेरे जैसे वहाँ पे सीनियर होगा वो आपको बता देगा आपने क्या क्या उसमें लिखना है, ठीक है ना। वहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपने इंटरव्यू होगा आपका सीओ साहब का, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर का आपका इंटरव्यू होगा। आपने क्या लेना है, एनओसी लेनी है हायर एजुकेशन के लिए। पक्का से आपने दोस्तों इस काम को करना है, एनओसी लेनी है हायर एजुकेशन के लिए, ताकि अगर आप एनओसी ले लेंगे जब आपका पेपर होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा, ताकि क्या आपको आराम से छुट्टी मिल सके। अगर आप बिना एनओसी के क्या है दोस्तों, बोलेंगे कि मेरा पेपर है और मैंने छुट्टी जाना है, उस टाइम आपको कोई भी छुट्टी नहीं देगा। अगर आपका एनओसी लिया हुआ रहेगा, आपने एनओसी ले रखी है सीओ साहब की, अगर आप उस टाइम बताएंगे अपनी कंपनी में कि सर मैंने एनओसी ले रखी है और मैं छुट्टी जा रहा हूँ, मेरा पेपर है, तो बड़े ही आराम से क्या आपको पेपर के लिए छुट्टी मिल जाएगा। तो आपने हायर एजुकेशन को पक्का पूरा करना है, आपने बीए है ना जो भी आप करना चाहते हैं आपने कंप्लीट करना है, उसके लिए क्या है एनओसी आपने क्या है ट्रेनिंग के बाद जब आप रेजिमेंट में पोस्टिंग जाते हैं, जिस यूनिट में आप जाते हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब से आपने पक्का क्या है अपना एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पक्का लेना है। आपका इंटरव्यू होगा, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपका एक इंटरव्यू होगा और आपको एनओसी मिल जाएगी। कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने अपनी आगे की पढ़ाई को पक्का जारी रखना है दोस्तों, क्योंकि क्या है रिटायरमेंट के बाद ये आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको भर्ती होने के बाद भारतीय सेना और एसएससी जीडी में भर्ती होने के बाद कैसे आप अपनी हायर एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी। और दोस्तों बने रहें चैनल के साथ, भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।